हलचल में आपका स्वागत है। तो आइए नजर डालते हैं नागपुर के विविध हलचल पर। ओपन इन्विटेशनल रोलर स्केटिंग चैंपियनशिप 2021 हाल ही में NMC के स्केटिंग रिंग नंदनवन में आयोजित की गई। इस प्रतियोगिता में नंदनवन स्थित करते हुए स्केटिंग एकेडमी के स्केटर्स ने 12 स्वर्ण, 12 रजत और 8 कांस्य सहित कुल 32 पदक जीतकर एकेडमी का नाम रोशन किया है। विजेताओं में एकेडमी के प्रसन्ना भगत, श्रीशा कोंडलकर, रुद्र घाटोले, सांझ घाटोले, अंशुमन निभोरकर, लारिशा काशीकर, अस्मिता बोलधने, दीप बागड़े, स्पर्श गायकी, आयुषी धावड़े, तनिषा मुंडले ने स्वर्ण पदक, ओव्या खोड़े, पवित्रा चेतियार, लावण्या मानकवड़े, तमन्ना मेहता, यावी ठवकर, रिद्देश पाटिल, हितेश शिवहरे, आराध्य वाड़ी भस्मे, सोहम दवंडे, तन्मय देशमुख, पूर्वेश गजबीये ने रजत पदक तथा श्लोक खोड़े, तान्हा ठवकर, आराध्य डफ, जणू कुनपारा, संचिता ठोमरे, अंश गुप्ता, प्रणवी भगत, मानस देशमुख ने कांस्य पदक जीता है। सभी खिलाड़ी कर्तव्य स्केटिंग अकेडमी के कोच विष्णु वाघे और शशिकांत ठाकरे के मार्गदर्शन में नियमित रूप से अभ्यास करते हैं। विजेता खिलाड़ियों को पूर्व उपमहापौर शेखर सावर बांधे के हाथों शहर राष्ट्रवादी कांग्रेस के अध्यक्ष वरिष्ठ नगर सेवक दुनेश्वर पेठे की उपस्थिति में अकेडमी के सचिव दीपक अदमाने द्वारा इस सफलता के लिए अभिनंदन किया गया। 24 अक्टूबर को नागपुर में राष्ट्रीय अंतरधर्मीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है। सम्मेलन का विषय होगा सांप्रदायिक सौहार्द के लिए वैश्विक चुनौतियां और भारत की भूमिका। सम्मेलन में विभिन्न धर्मों के आचार्यों की उपस्थिति में विषय पर महामंथन होगा। बुधवार को ये जानकारी निदेशक परिचालन अशोक जैन ने एक संवाददाता सम्मेलन में दी। उन्होंने बताया कि स्वर्ण जयंती महोत्सव वर्ष के उपलक्ष्य में साल भर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इसमें से ये पहला भव्य आयोजन है। ग्रेट नाग रोड स्थित कविवर्य सुरेश भट्ट सभागृह में रविवार की सुबह 9:30 बजे अंतरधर्मीय सम्मेलन में केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी प्रमुख अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। विधानसभा में विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस व महापौर दयाशंकर तिवारी विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। अशोक जैन ने जानकारी दी है कि सम्मेलन में आर्ट ऑफ लिविंग बैंगलोर के संस्थापक पूज्य श्री श्री रविशंकर, पतंजलि योगपीठ हरिद्वार के संस्थापक पूज्य स्वामी बाबा रामदेव, अहिंसा विश्व भारती दिल्ली के संस्थापक पूज्य आचार्य लोकेश मुनि, दरगाह अजमेर शरीफ अजमेर के गद्दीनशीन पूज्य हाजी सैयद सलमान चिश्ती, जीवन विद्या मिशन मुंबई के संस्थापक पूज्य प्रहलाद वामन राव, मुंबई के आर्क बिशप पूज्य कार्डिनल ओस्वाल्ट ग्रेसियस, महाबोधि इंटरनेशनल मेडिटेशन सेंटर लेह के संस्थापक पूज्य भिक्कु संघसेना और स्वामी नारायण संस्था के ब्रह्म विहारी दास स्वामी प्रमुख वक्ता रहेंगे। यूथ विंग जमाते इस्लामी हिंद की ओर से राजेंद्र हाई स्कूल हसनबाग कब्रिस्तान चौक में रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। इस अवसर पर जनाब अरशद खान अजहर खान द्वारा आयोजकों को ऑनरेरी अवार्ड देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर शेख मुजीब भाई वारसी महासचिव नागपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी, रोशन भाई अंसारी, अल्ताफ भाई, मिलिंद दुपारे, राकेश कनौजे, कुमार बावनकर, राजू खान, जनाब अजीज बाबा, जावेद खान आदि उपस्थित थे। संस्कृत महाकाव्य रामायण की रचना करने वाले महर्षि वाल्मीकि की जयंती विविध सरकारी कार्यालयों व संस्थाओं में मनाई गई। इस अवसर पर सभी ने उनके चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें भावपूर्ण अभिवादन किया। जिलाधिकारी कार्यालय में महर्षि वाल्मीकि की जयंती के अवसर पर जिलाधिकारी आर विमला ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनका अभिवादन किया। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी शिरीष पांडे, निवासी उप जिलाधिकारी विजय बनकर सहित जिलाधिकारी कार्यालय के अधिकारी एवं कर्मचारीगण उपस्थित थे। महावितरण के नागपुर क्षेत्रीय कार्यालय में महर्षि वाल्मीकि की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर महावितरण के नागपुर विभाग के प्रादेशिक संचालक सुहास रंगारी, नागपुर परिमंडल के मुख्य अभियंता दिलीप दोड़के, महाव्यवस्थापक विवले शरद दाहेदार, अधीक्षक अभियंता हरीश गजबे, नारायण आमजरे, अविनाश सहारे, उप महाव्यवस्थापक सूचना तकनीकी प्रमोद खुले, उप महाव्यवस्थापक रूपेश देशमुख, सहायक महाव्यवस्थापक मानव संसाधन प्रदीप सातपुते, कार्यकारी अभियंता समीर शेंद्रे, सह मुख्य औद्योगिक संबंध अधिकारी मधुसूदन मराठे, उप विधि अधिकारी डॉक्टर संदीप केने, उप मुख्य औद्योगिक संबंध अधिकारी सचिन लहाने, प्रणाली विश्लेषक कविन काटोले, प्रसन्न येलने आदि अधिकारीगण उपस्थित थे। महर्षि वाल्मीकि की जयंती पर भारतीय जनता पार्टी नागपुर शहर की ओर से स्थानीय कार्यालय में उन्हें अभिवादन किया गया। भाजपा प्रदेश सचिव एडवोकेट धर्मपाल मेश्राम ने महर्षि वाल्मीकि की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की।
इस मौके पर भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के नगर अध्यक्ष राजेश हाथीबेड़, पार्षद संदीप जाधव, पार्षद संजय बंगाले, अनुसूचित जाति मोर्चा के राज्य सचिव सतीश शिरसवान, पार्षद नागेश सहारे, पार्षद विजय चुटेले, रविन्द्र डोंगरे, दिलीप गोईकर, योगेश पाचकोर, अजय करोसिया, निरुद्ध पालकर आदि मान्यवर उपस्थित थे। NSUI नागपुर विश्वविद्यालय की ओर से कुलपति सुभाष चौधरी को पिछले एक साल से छात्रों की विभिन्न समस्याओं की शिकायत मिल रही है और नागपुर विश्वविद्यालय ने 26 से 30 अक्टूबर तक छात्र संसद का आयोजन किया है, जिसमें भाजपा और RSS के अनधिकृत लोगों को आयोजन समिति में आमंत्रित किया गया है, जिसके खिलाफ नागपुर जिला NSUI ने विद्यापीठ कुलगुरु से मुलाकात कर इस बारे में जवाब मांगा, जिस पर कुलगुरु ने गंभीरतापूर्वक ध्यान देने की बात कही। कुलगुरु से मुलाकात के बाद जिला अध्यक्ष आशीष मंडपे और प्रदेश महासचिव प्रतीक कोल्हे के नेतृत्व में नागपुर जिला NSUI ने विद्यापीठ के समक्ष विश्वविद्यालय के नियमों की होली जलाई। इस आंदोलन में मुख्य रूप से नागपुर जिला NSUI अध्यक्ष आशीष मंडपे, प्रदेश सचिव प्रतीक कोल्हे, जिला महासचिव अनिरुद्ध पांडे, चेतन मेश्राम, प्रणय ठाकुर, रौनक नंदगावे, सौरभ कालमेक, जैनुल ओवेश, रॉयल गेडाम, दया शाहू, कुणाल चौधरी, हन्नी खट्टर, सीमान गायकवाड़, मिथिलेश राजपांडे, विद्यासागर त्रिपाठी, सतीश साखरे, हर्ष बर्डे, अब्दुल रहमान, गौरव बुजाड़े, तेजस सोनकुसरे, निकेत दहीकार, पारस गजबिये, राजरतन रामटेके, प्रकाश मिश्रा, उज्जवल खापरडे, साहिल डोंगरे, संस्कार डोंगरे, सोहेल खान आदि उपस्थित थे। मंगलवार को गांधीबाग नवयुवक एकता कमेटी की ओर से गांधीबाग फवारा चौक सेंट्रल होटल के पास कमेटी के अध्यक्ष जनाब इकबाल अहमद की अध्यक्षता में 50 मन आलू भात और 101 किलो मीठे हलवे भोजन का वितरण किया गया। कमेटी के अध्यक्ष ने पैगंबर के अमन शांति सद्भावना का सभी ने पालन करना चाहिए। इस कार्यक्रम में दुनेश्वर पेठे, रमन ठौकर, अशफाक खान, पुलिस निरीक्षक सुनील गांगुरडे, ऑटो रिक्शा संगठना संयुक्त महासंघ के कार्याध्यक्ष भाई चरणदास वानखेड़े, प्रवक्ता आनंद चौरे, विदर्भ महासंघ के महासचिव भरत लांडगे, महासंघ के उपाध्यक्ष मोहन बावने, कोषाध्यक्ष कैलाश श्री पतवार, सचिव इसराइल खान प्रमुख रूप से उपस्थित थे। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए कमेटी के कार्यकर्ता इसराइल खान, शेख आजम, इस्ताक खान, मोहम्मद इब्राहिम खान, शाकिर खान, आमिन रंगूनवाला, अजीम पटेल, प्रेम जान शेख इकराम, प्यारे साहब बोरिंग वाले, संजय नागदिवे, संजय सेंट्रल होटल, हबीब खान फंटूश, अजीज पतंग वाले, संजय चंदन बटुए, संजय शर्मा, प्रोफेसर अकबर नागानी, धर्मेश शाह, सुनील नांदुरकर, सलीम भंडारा आदि अनेक कार्यकर्ताओं ने व गांधी बाग फवारा चौक के सभी व्यापारी भाई एवं ऑटो चालकों ने सहयोग किया। मुस्लिम बहुल क्षेत्र मध्य नागपुर में पूर्व अल्पसंख्यक मंत्री महाराष्ट्र कांग्रेस कमेटी के कार्याध्यक्ष आरिफ नसीम खान का जन्मदिन शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विकास ठाकरे के मार्गदर्शक नागपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के महासचिव आतिक कुरैशी के नेतृत्व में वैक्सीनेशन शिविर लिया गया। आतिक कुरैशी ने कहा कि पूर्व मंत्री आरिफ नसीम खान के जन्मदिन पर मध्य नागपुर की जनता ने नागपुर महानगर पालिका द्वारा वैक्सीनेशन शिविर के माध्यम से पूर्व मंत्री आरिफ नसीम खान को मध्य नागपुर की जनता ने वैक्सीन लेकर जन्मदिन मनाया। क्षेत्र की महिलाएं, बुजुर्ग, नौजवानों ने भी भारी संख्या में इस शिविर का लाभ उठाया। शिविर में प्रमुख रूप से हाजी एजाज कुरैशी, अरशद अहमद, प्रदेश सचिव फजलुर रहमान कुरैशी, नागपुर शहर युवा कांग्रेस के महासचिव अजहर शेख, नागपुर शहर युवा कांग्रेस, यूथ कांग्रेस अल्पसंख्यक शोएब खान, सामाजिक कार्यकर्ता फिरोज खान, नकील अहमद, सुभान कुरैशी, राकेश निकोसे, आदिल खान प्रमुख रूप से उपस्थित थे। मंडल रेल प्रबंधक नागपुर मंडल ऋचा खरे के कुशल मार्गदर्शन और टीम बिजनेस डेवलपमेंट यूनिट के ईमानदार और अथक प्रयासों से गोधनी नागपुर से आदर्श नगर दिल्ली तक किसान रेल चलाई गई। संतरा लदान के लिए गोधनी नागपुर से आदर्श नगर दिल्ली के लिए ऑरेंज किसान रेल स्पेशल का उद्घाटन बुधवार को किया गया। इस किसान स्पेशल का महाराष्ट्र के काटोल, नरखेड़ और वरुड और मध्य प्रदेश के पांडुरना के किसानों को इसका लाभ पहुंचाएगी। इस ट्रेन में कुल लगभग 200 टन लोड किया गया है और इसका सीधा फायदा किसानों को होगा। किसान रेल स्पेशल का यह कॉन्सेप्ट 2020 के सीजन में पेश किया गया था और ये किसानों की ओर से सफल रहा। पिछले वर्ष के दौरान लगभग 7,500 टन संतरों का लदान किया गया और किसानों को 2 करोड़ रुपए से अधिक की सब्सिडी से लाभान्वित किया गया। ये किसान रेल स्पेशल प्रत्येक बुधवार को गोधनी नागपुर से आदर्श नगर दिल्ली और प्रत्येक शनिवार को वरुण ऑरेंज सिटी से शालीमार कोलकाता तक चलेगी। मध्य रेलवे के नागपुर मंडल की इस पहल से किसान बेहद खुश है। वर्धमान नगर स्थित ईस्टर्न स्पोर्ट क्लब में समाज गौरव सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया गया,
विश्वकर्मा किसान बहुउद्देशीय संस्था ने 2021 राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित हरिदास शर्मा का सत्कार पुष्पगुच्छ व समाज गौरव सम्मान से समाज के प्रतिष्ठित विश्वकर्मा विकास बहुउद्देशीय संस्था के अध्यक्ष MM शर्मा के हस्ते समाज गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया। संस्था अध्यक्ष MM शर्मा ने कहा कि भगवान विश्वकर्मा को पूरे संसार में निर्माण और शिल्प को देवता माना जाता है। इतिहास गवाह है, विश्वकर्मा समाज युगों युगों से सृष्टि व समाज की रक्षा के लिए आगे रहा है। बड़ी संख्या में विश्वकर्मा समाज के महिला व पुरुषों की उपस्थिति रही। सत्कार मूर्तियों ने समाज बंधुओं को एकत्र होने की अपील की। मंच संचालन राजेश रंजन ने किया एवं आभार BR शर्मा ने किया। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में मनोज ठाकुर, राकेश शर्मा, रामानंद शर्मा, नरेश शर्मा, किशोर शर्मा, कैलाश विश्वकर्मा, नरेश शर्मा, नंदलाल विश्वकर्मा, दिनेश शर्मा, सृष्टि शर्मा, बिगन शर्मा, प्रेम कुमार शर्मा, उषा शर्मा, बबीता शर्मा, किरण रंजन, पूजा शर्मा, सविता शर्मा, सुलेखा शर्मा, सुमंती शर्मा, शर्मिला शर्मा आदि उपस्थित थे। जश्न ईद मिलाद उन नबी के मौके पर नौजवान एकता कमेटी ने हल्दीराम चौक पर कोविड नियमों का पालन करते हुए सादगीपूर्ण तरीके से त्योहार मनाया और लोगों में कस्टर्ड बांटे। इस अवसर पर प्रदेश सचिव सैयद मुमताज, उजैर शेख, एहतेशाम इस्माइली, समीर अहमद, अरशद राजा, शमीम शेख, अब्दुल मुजाहिद, सौरभ माते, इमरान खान, परवेज खान, शेवाज, उस्मान, उमेर, अरबाज, एहतेशाम, एजाज राजा, मोहम्मद कैफ, शारिक पठान, रिजवान, असद शेख, मोहम्मद सुफियान, साद यामिन, शाहिद अली, जुबैर खान, नोमान खान, हसनैन आदि उपस्थित थे। गणेशपेट भाजपा कार्यालय में नागपुर महानगर के आध्यात्मिक समन्वय प्रकोष्ठ की कार्यकारिणी का गठन। पूर्व विधायक सुधाकर देशमुख व कथाव्यास नंदकिशोर पांडे के सानिध्य में वैदिक प्रबोधनकार आचार्य चंद्रप्रकाश के मार्गदर्शन में संपन्न हुआ। कार्यारंभ वेद मंत्रों से दीप प्रज्वलन व भारत माता के चित्र पर माल्यार्पण करके प्रारंभ हुआ। मंच से मान्यवरों ने सभा को संबोधित कर मार्गदर्शन किया। प्रकोष्ठ अध्यक्ष सुरेश चंद्र गुप्ता ने प्रस्तावना रखी एवं नागपुर महानगर की कार्यकारिणी व मंडल अध्यक्षों व संपर्क प्रमुखों की नियुक्तियों की घोषणा कर नियुक्ति पत्र अतिथियों के हस्ते प्रदान किए गए। आध्यात्मिक समन्वय प्रकोष्ठ में अध्यक्ष सुरेंद्र चंद्र गुप्ता, महामंत्री CA प्रणव बेम्बी, एडवोकेट आशीष भिड़े, अभिषेक मिश्रा, संपर्क प्रमुख प्रसाद जोशी, महिला पालक रंजना गुप्ता, मंडल अध्यक्ष नागपुर उत्तर कृष्णा गोपाल पांडे, सूरज वाशिमकर, चंद्रिका प्रसाद पांडे, दक्षिण पश्चिम शोभा भाग्या, मंडल संपर्क प्रमुख नागपुर उत्तर रविदास नायक, पश्चिम प्रशांत मोरे, पूर्व जोगेश्वर हिरवानी, दक्षिण पश्चिम सुरेश विंजुरकर, रितु आनंद शर्मा, अंजना गुप्ता, संगीता अहिर, पीयूष शाह, सीमा गुप्ता, खुशाल ठाकुर, विपुल जैन, हरीश जैन, नीलकंठ जाधव, विवेक गुप्ता, राहुल जैन, अमित गुप्ता, करणवीर उइके, प्रचार मंत्री वर्षा गोपाल शर्मा, रमा शर्मा, मार्गदर्शक धराचार्य महाराज, प्रभुनाथ महाराज उपस्थित रहे। रमणा मारुति परिसर के धन्वंतरी नगर रिंग रोड पर हाल ही में भाजपा IT सेल के शहर मंत्री विनय प्रकाश पारवे द्वारा वृक्षारोपण के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम में महापौर दयाशंकर तिवारी, नगर सेवक पिंटू झलके, सुमित मिश्रा, पूर्व नगर सेवक शिव धात्रक मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। कार्यक्रम का उद्घाटन मेयर दयाशंकर तिवारी ने किया, परिचयात्मक भाषण विशाल प्रदीप चौधरी ने दिया और धन्यवाद ज्ञापन विनय पर्वे ने किया। इसके बाद विविध स्थानों पर पौधारोपण के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। नाना खेड़ेकर, सागर निम्बालकर, अक्षय ढोबले, सूरज हजारे, योगेश धात्रक, संकेत चौधरी, अतुल बोडारे, स्वप्निल ठाउकर, संजय देशमुख और शीतल नंदनवार ने कार्यक्रम की सफलता के लिए कड़ी मेहनत की। पारडी पुल के कलमना इलाके में पुल का एक हिस्सा गिरने से नागरिकों में आक्रोश है, लेकिन सौभाग्य से क्षेत्र में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। हालांकि अधिकारियों की लापरवाही या ठेकेदार की लापरवाही के कारण ये घटना निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है। जब तक मुझे इस घटना की सूचना मिली तब तक मैं मुंबई के लिए निकल चुका था, लेकिन मैंने तुरंत NHAI के अधिकारियों और ठेकेदार के साथ घटना की विस्तृत जानकारी ली और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को पूरी जानकारी दी। गडकरी ने तुरंत केंद्रीय जांच समिति को घटना की जांच के निर्देश दिए। किसी भी दोषी अधिकारी या ठेकेदार को बख्शा नहीं जाएगा। गडकरी ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई के भी संकेत दिए। विधायक कृष्णा खोपड़े ने कहा कि घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, लेकिन कांग्रेस राष्ट्रवादी केवल विरोध करने के लिए राजनीति कर रहे हैं। तीनों दलों के नेता निचले स्तर पर राजनीति कर रहे हैं और उनका विकास और लोगों के हित से कोई लेना देना नहीं है। OBC जागर अभियान महाराष्ट्र प्रदेश द्वारा LED रथ नागपुर BJP OBC मोर्चा की ओर से मध्य नागपुर के पंडित बच्चराज चौक से महापौर दयाशंकर तिवारी द्वारा रिबन काट कर शुभारंभ किया गया।
इस अवसर पर ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष रमेश चोपड़े, प्रदेश प्रवक्ता चंदन गोस्वामी, भाजपा महामंत्री नरेंद्र पोरकर, ओबीसी मोर्चे के पालक श्रीकांत अगलावे, मध्य मंडल ओबीसी मोर्चे के अध्यक्ष दशरथ मस्के, चोपड़े ने बताया कि ओबीसी जागर अभियानरत समाज में जागरण हेतु नागपुर महानगर में भ्रमण करेगा। मदनपुर से इसका प्रारंभ किया गया। बुधवार को रथ मध्य नागपुर में भ्रमण कर जन जागृति करेगा। महाराष्ट्र सरकार के निष्क्रियता की वजह से ओबीसी का राजकीय आरक्षण रद्द हुआ। भविष्य में आर्थिक व शैक्षणिक आरक्षण को सलामत रखने हेतु ओबीसी समाज में जन जागृति लाना जरूरी है। एलईडी रथ के 30 मिनट के भाषण में भाजपा नेताओं ने निकम्मे महाराष्ट्र सरकार के बीजेपी विरोधी रवैये को उजागर किया। इस अभियान में वार्ड अध्यक्ष सक्रियता से हर चौक पर सभा आयोजित करेंगे। ओबीसी भाजपा के साथ, भाजपा ओबीसी के साथ, ये साक्षात्कार ओबीसी समाज में साकार हो रहा है। ओबीसी के साथ होने वाले अन्याय पर बीजेपी ओबीसी मोर्चा इस अन्यायकारी सरकार के खिलाफ अपना संघर्ष इसी तरह आने वाले समय में सतत निभाते रहेगी। महामेट्रो के रीच टू रीच फोर पर बिछाई गई रेल पटरी के लिए फ्लैश बट वेल्डिंग का काम पूरा हो चुका है। अन्य की तुलना में फ्लैश बट वेल्डिंग सबसे मजबूत होती है। इस वेल्डिंग्स में मुख्य रेल की 95% ताकत होती है, क्योंकि इस पद्धति के दौरान रेल के धातु शास्त्र को बदला नहीं जाता है। ट्रैक प्लिंथ की ढिलाई से पहले लॉन्ग वेल्ड रेल पैनल निर्माण के लिए इस प्रक्रिया को अपनाया जाता है। नागपुर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट में इस्तेमाल की जाने वाली रेल सामान्य तौर पर 18 मीटर और 25 मीटर लंबी होती है। रेल ट्रैक के अनुसार विभिन्न लंबाई के लंबे वेल्डेड पैनल बनाने के लिए अलग अलग रेलों को एक साथ वेल्डिंग प्रक्रिया की जाती है। फ्लैश बट वेल्डिंग FBW इस वेल्ड में इसकी मूल रेल की 95% ताकत होती है, क्योंकि इस प्रक्रिया के दौरान रेल की धातु शास्त्र को नहीं बदला जाता। ट्रैक प्लिंथ की ढिलाई से पहले लॉन्ग वेल्ड रेल LWL पैनल बनाने के लिए इस प्रक्रिया को अपनाया जाता है। एल्यूमिनियम थर्मिट वेल्डिंग ATW इस प्रक्रिया में दो रेल पैनलों के बीच पिघला हुआ लोह धातु डालना शामिल है, जहां 25 मिलीमीटर का अंतर बचा है। पंजाब नेशनल बैंक द्वारा बुधवार को नागपुर मंडल अंतर्गत शाखा कापसी बुजुर्ग में 6S अभियान के तहत कस्टमर आउटरीच कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में 4 स्वयं सहायता समूह को भी ऋण प्रदान किए गए। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में 60, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 53 तथा अटल पेंशन योजना में फॉर्म जमा हुआ। इस अभियान के अंतर्गत ग्राहकों के लिए विशेष ऋण योजनाओं के अंतर्गत शिखर, संकल्प, स्वागत, समृद्धि, स्वाभिमान और संपर्क योजना के अंतर्गत 5 प्रमुख क्षेत्र रिटेल, MSME, कृषि एसेट वृद्धि, सामाजिक सिक्योरिटीज और डिजिटल बढ़ावे पर विशेष जोर दिया जा रहा है। नागपुर शहर के अंतर्गत विभिन्न शाखाओं में PNB 6S अभियान के अंतर्गत ग्राहकों के लिए विशेष ऋण योजना के अंतर्गत शिखर, संकल्प, स्वागत, समृद्धि, स्वाभिमान और संपर्क योजना के अंतर्गत 5 प्रमुख पिल्लर रिटेल, MSME, कृषि एसेट वृद्धि, सामाजिक सिक्योरिटीज और डिजिटल बढ़ावे पर विशेष जोर दिया जा रहा है। आशीष कुमार चतुर्वेदी, मंडल प्रमुख नागपुर द्वारा उपयुक्त योजना के साथ ही भारत सरकार की वित्तीय समावेशन पहल के अंतर्गत कापसी बुजुर्ग ग्राम परिसर के किसानों को ऋण योजनाओं की जानकारी दी गई तथा स्वयं सहायता समूह के लाभार्थियों को ऋण स्वीकृति पत्र प्रदान किए गए। महमुदा शिक्षण और महिला ग्रामीण विकास बहुउद्देशीय संस्था द्वारा संचालित DDUGKY में महर्षि वाल्मीकि की जयंती मनाई गई। इस कार्यक्रम में पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर अनिस अहमद, तुषार मेश्राम प्रोजेक्ट डायरेक्टर DDUGKY, डॉक्टर SM राजन डायरेक्टर लॉ कॉलेज, स्वाति बोधनकर प्राचार्य सेंट्रल इंडिया कॉलेज ऑफ फार्मेसी, सागर ठाकरे प्राचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, डॉक्टर स्वाति राउत प्राचार्य सेंट्रल इंडिया कॉलेज ऑफ एजुकेशन उपस्थित थे। महमुदा शिक्षण और महिला ग्रामीण विकास बहुउद्देशीय संस्था में DDUGKY कौशल्य विकास योजना के अंतर्गत छात्रों को विभिन्न कोर्स का प्रशिक्षण दिया जाता है। इस प्रशिक्षण में व्यक्तिगत विकास के अंतर्गत महर्षि वाल्मीकि की जयंती मनाई गई। डॉक्टर अनिस अहमद ने अपने भाषण की शुरुआत महर्षि वाल्मीकि के रामायण के श्लोक सत्य ही संसार में ईश्वर है, धर्म ही सत्य के आश्रित है, सत्य ही समस्त भव विभव का मूल है, सत्य से बढ़कर और कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि आज के विद्यार्थियों को महर्षि वाल्मीकि के जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए। उन्होंने अपने जीवन काल में संस्कृत रामायण की रचना की और जिसमें उन्हें आदि कवि के रूप में जाना जाता है। उन्होंने 24,000 श्लोकों से संस्कृत रामायण की रचना की। तुषार मेश्राम ने अपने भाषण में कहा कि महर्षि वाल्मीकि के जीवन से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। चेंबर के पूर्व अध्यक्ष व APMC चुनाव के उम्मीदवार प्रकाश वाधवानी ने समर्थन प्राप्त करने के हेतु दी होलसेल ग्रेन एंड सीड्स मर्चेंट्स एसोसिएशन कलमना धान्यगंज, दाल मिलर्स एसोसिएशन व मिर्ची मार्केट में भेंट देकर व्यापारियों से मुलाकात की।
द होलसेल ग्रेन एंड सीड्स मर्चेंट एसोसिएशन व दाल मिलर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों व व्यापारियों ने प्रकाश वाधवानी का अपने अपने बाजारों में पुष्पहार पहनाकर तथा समर्थन पत्र देते हुए प्रकाश वाधवानी को अपना जोरदार समर्थन दिया। साथ ही समर्थन रैली का दी होलसेल ग्रेन एंड सीड्स मर्चेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष संतोष कुमार अग्रवाल, सचिव प्रताप मोटवानी, कलमना धान्यगंज के विजय माटे, रामकृष्ण वंजारी, शंकर शेंडे, अनिल बंडू रोकड़े, विनोद कथूरे, दांगे दलाल, अतकरे दलाल, शंकर भाई दाल मिलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष भीमसेन गर्ग, सचिव राजेंद्र शर्मा, मिर्ची मार्केट से विनोद गर्ग, वसंता ठाकरे, महेश बंते, कन्हैयालाल चावला, रामराव खेडकर, दिलीप उमाटे, रूपचंद उमाटे, किशोर केसरवानी, ताराचंद बादुले व भारी संख्या में व्यापारियों ने प्रकाश वाधवानी को अपना समर्थन जाहिर किया। उपरोक्त जानकारी प्रेस विज्ञप्ति द्वारा उपाध्यक्ष अर्जुन दास आहूजा ने दी। तो नागपुर हलचल में आज के लिए इतना ही। आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए वीकेबी न्यूज़। नमस्कार।